बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि अगर सरकार की चली तो आपको जल्द ही एक टूर पैकेज पर दूसरा टूर पैकेज मुफ्त में मिलेगा। मंदी की चपेट में आए घरेलू पर्यटन उद्योग में जान फूंकने के लिए सरकार सस्ते टूरिस्ट पैकेज लाने की योजना तैयार कर रही है। घरेलू सैलानियों के लिए अच्छी खबर है, अब आप सस्ते में यात्रा कर सकते हैं। मंदी के चलते सैलानियों की तादाद घट रही है और यही सरकार के लिए परेशानी का सबब है। लिहाजा सरकार किसी भी कीमत पर सैलानियों की तादाद बढ़ाना चाहती है, इसलिए वो अब सस्ते पैकेज की तैयारी कर रही है। इसके लिए पर्यटन मंत्रालय होटल, एयरलाइंस और टूर ऑपरेटर्स के साथ बातचीत कर टेलर मेड स्कीम की योजना तैयार कर रहा है। इसके तहत सरकार ने होटल मालिकों से कहा है कि वो एक मेहमान के किराए पर एक और को फ्री रहने का इंतजाम करें। साथ ही एयरलाइंस से कहा है कि वो ऐसे सैलानियों के लिए एक के साथ दूसरा टिकट फ्री दें। सरकार ने टूर ऑपरेटर से कहा है कि घरेलू सैलानियों को भी एक खास लोकेशन की सैर फ्री कराएं। जिस तरह से विजिट इंडिया 2009 अनाउंस किया है, हो सके थोड़े दिन के बाद, पता नहीं कितने दिन के बाद, परंतु एक डोमेस्टिक टूरिज्म प्रमोशन का भी हम लोग बड़ी स्कीम लाएंगे। मंदी से लड़ने की मुहिम में टूर ऑपरेटर और होटल मालिक एक डेस्टिनेशन की फ्री साइट सीइंग और एक बुकिंग के साथ दूसरी बुकिंग फ्री देने को राजी भी हो गए हैं, लेकिन जैसा अक्सर होता है एयरलाइंस सरकार की बात मानने को राजी नहीं दिख रही हैं। विदिन द नेक्स्ट 15 दिन के अंदर हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पैकेजेस एयरलाइन से मिलके, मिनिस्ट्री के साथ मिलके डोमेस्टिक टूरिज्म के भी हम निकालेंगे। घरेलू टूरिस्ट डेस्टिनेशन के प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने टूर ऑपरेटर्स को वित्तीय सहायता देना भी शुरू कर दिया है। अभी तक ये सहायता सिर्फ विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए ही मिलता था। सरकार को उम्मीद है कि ऐसे स्कीम से टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। सिद्धार्थ शेखर, जी बिजनेस, दिल्ली।